अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज का व्लॉग जो है ना, वो सुबह के टाइम में मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि पहले ही दो दिन से जो है ना मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर रही, तो फिर चैनल बहुत ज़्यादा डाउन चला जाता है जब आप दो तीन दिन या चार पाँच दिन का गैप ले लेते हो। तो मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है, मुझे पता है, तो इसलिए फिर कभी कभी दिल भी नहीं करता डालने को, क्योंकि आप लोग जो है ना वो सपोर्ट नहीं करते। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दिया करें। स्टार्ट में मैं इसलिए कह देती हूँ, अगर मैं कहना भूल जाऊँ तो आप लोग जो है ना बिल्कुल लाइक करना भी भूल जाते हैं। तो आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और फुल वीडियो जो है ना वो लाजमी देख लिया करें, कभी नहीं भी टाइम होता तो चला के रख दिया करें। खैर, सुबह के टाइम ही आजकल मैं काम वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद ना मैं फ्री हो जाती हूँ, तो कुछ व्लॉग बनाना हो थोड़ा थोड़ा करके तो वो बना लेती हूँ, नहीं तो फिर बैठी रहती हूँ। यहाँ पर हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि सर्दी काफ़ी हो रही है, जिसकी वजह से हाथ वगैरह ख़राब हो रहे हैं। और जुनाइश जो है ना वो मुसलसल खुश हो रही थी बच्चे के साथ, ये मेरे भाई का बेटा है। मम्मा गई थी बाज़ार भाभी के साथ, तो भाभी को कुछ चीज़ें खरीदनी थी, कुछ मम्मा को लेनी थी, तो वो भी इस नन्हे से पटाखे को ना मेरे पास छोड़ गए थे। और जुनाइश जो है ना इसको छेड़ने की इतनी वो मतलब एक्साइटमेंट थी इसको, कि मैं इसको छेड़ूँ। वो अपनी तरफ से इसको प्यार कर रही थी, लेकिन प्यार प्यार के चक्कर में ना ये रोने भी लग गया था, और फिर काफ़ी देर ये रोता रहा। इसकी पैसिफायर के साथ ये खेल रही थी, क्योंकि ये खुद भी पैसिफायर लेती है ना, तो इसको ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जहाँ भी इसको नज़र आ जाता है ना पैसिफायर वाला बच्चा, तो या तो उसकी निकाल के अपने मुंह में डालने लग जाती है, या फिर उसको जो है ना वो बार बार देती है। तो मम्मा जो है ना वो बस ले गई थी, अजलान है उसका नाम ना, तो अजलान को ले गई थी घर पर, और भाभी भी आ गई थी साथ में। तो उसके बाद ना फिर मैंने उनसे ये आलू मटर जो है ना वो मंगवाए थे, वह इकट्ठी जो वेजिटेबल्स है ना वो भी मैं नहीं लेकर आई, क्योंकि बाज़ार जाना ही नहीं हो रहा, नहीं तो मैंने वो भी शेयर करना था। आपको पता है हर मंथ जो है ना थोड़ी बहुत जो ग्रोसरी करती हूँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मैं हरी मिर्चें देख रही थी, इतनी कोई मज़े की ये इस बार आई हुई है ना, तो बहुत अच्छी मुझे लग रही थी। मैंने कहा इतना खूबसूरत कलर लग रहा है, कि जब हम लोग आजकल काटते हैं ना सब्ज़ियाँ, तो इतनी खूबसूरत रंगों की मैं कहती हूँ कि इतने प्यारे प्यारे रंग जो है ना वो अल्लाह ताला ने हमें दिए हुए हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना फिर मैं खाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि फिर गैस जो है ना 5:30 के करीब हमारी आ जाती है। कभी ऐसा होता है कि जब मुझे ज़्यादा मैंने सोचा हो ना कि आज मैंने 7 बजे खाना पका के फारिग हो जाना, तो फिर तो गैस जो है ना वो थोड़ा बहुत धोखा देने लग जाती है। तो बस यहाँ पर मैं खाने की ही तैयारी कर रही थी, और यहाँ पे मैं आलू जो है ना हमेशा जो है वो ज़्यादा कट कर लेती हूँ। मुझे ना अभी अंदाज़ा हो ही नहीं रहा, कभी मैं आलू कम कर लेती हूँ, कभी मैं ज़्यादा कर लेती हूँ। तो कोई रेसिपी तो नहीं है, ये लंच बॉक्स की रेसिपी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। 5 मिनट्स के अंदर इतने मज़े के जो है ना वो लंच बॉक्स आपके बन जाएंगे। तो मैंने कहा सिंपल सी ये आलू मटर की जो रेसिपी है ये मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करूँ। बस सिंपल मैंने मसाला जो है ना फ्राई किया, मतलब भूना, और उसके अंदर जो मैंने ये सब्ज़ी वगैरह ऐड कर दी। यहाँ पर मैं थंबनेल बनाने की कोशिश कर थी, क्योंकि वीडियो के साथ साथ ही जो है ना वो थंबनेल बनाना होता है, फिर बाद में जो है ना मैं थंबनेल नहीं बनाती, तो बस मैं यहीं पे वही बना रही थी। तो आलू मटर जो है ना यहाँ पे, इसके अंदर ना थोड़ा सा मैंने चिकन भी ऐड कर दिया था। अच्छा, हस्बैंड जो है ना इस दिन बाहर से खाए थे खाना, और बस ये फिर मैं मुझे ही खाना पड़ा था रात में भी, फिर सुबह के टाइम भी, तो थोड़ा बहुत बच भी गया था। फिर मैंने उसको ना पराठे के अंदर डाल लिया था, तो मैंने पहले सोचा था कि आप लोगों के साथ पराठे वगैरह की भी जो है ना वो रेसिपी शेयर करूँगी, पर मेरा दिल ही नहीं करता इतना कैमरा उठाऊँ व्लॉग बनाऊँ। तो बस ये है कि बस मुझे ये है कि अब ना मैं घर जो है ना वो शिफ्ट कर लूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा सही घर लेके, तो वहाँ पे जो भी मेरी रूटीन रहेगी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे जुनाइश जो है ना वो मेरी गोद में थी, और ये जो बर्तन है ना ये भी धोने वाले थे, काफ़ी मेरे बर्तन जो है ना वो इकट्ठे हो गए थे। तो यहाँ पर दो जो है ना हम लोग जो है ना अलग अलग दूध बॉयल करते हैं, जुनाइश का अलग करते हैं और अपना अलग करते हैं। यहाँ पे बस ये कचरा वगैरह ये भी मैंने अभी समेटना था, किचन काफ़ी बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, और जुनाइश जो थी ना वो मुझे कह रही थी कि मुझे अब गोद में उठा लो। वैसे तो माशाल्लाह से ये तंग नहीं करती अब, यानी कि इतना नहीं करती जितना पहले बहुत ज़्यादा करती। बस खाना वगैरह जो है ना वो मेरा साथ साथ चल रहा था, और ये कपड़े ना मैंने धो कर रखे हुए थे यहाँ पर, ये कोई 2 दिन हो गया मुझे कपड़े मैंने धो के रखे हैं, बस इसको मैंने समेटना था। तो साथ ही जो है ना ये मैडम फ्रिज खोल लेती है, मेरे फ्रिज का जो वो है ना ये दरवाज़ा वो बड़ी इजीली खुल जाता है, और इसका ना लॉक भी नहीं है, लॉक वाला ना तो आप बंद कर देते हो। तो मैं इसको यहाँ पर यही बोल रही थी कि जुनाइश आप जो ये फ्रिज है ना इसको बंद कर दो, लेकिन ये मुसलसल बंद नहीं थी कर रही, और खोल के बड़े मज़े से यहाँ पर खड़ी हुई थी। और ये साथ में जो आपको तोड़ा नज़र आना ये चावलों का है, तो ये हमारे मेरे चाचू हैं तो वो लेकर आए थे। तो बस इसको भी मैंने अभी कहीं रखना है, तो कॉर्नर में मैंने रखा हुआ है।
तो अभी तक मैंने यहाँ से इसको उठाया ही नहीं है। तो बस इसको मैं मुसलसल कही जा रही थी तो ये बात ही नहीं सुन रही थी। इसको बहुत मज़ा आता है फ्रिज खोल के ना, ये खड़ी हो जाती है अक्सर ही, तो मना करो भी तो ये नहीं होती, फिर मैं ज़बरदस्ती इसको जो है ना पीछे करना पड़ता है। और इसको एक मसला है कि अगर रोती है ना तो फिर ये एक सांस ही चले जाती है, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा इसको कुछ नहीं कहती कि ये एक सांस ना चली जाए, फिर मेरे लिए काफ़ी मसला हो जाता है। तो फिर मैं ये करती हूँ कि थोड़ा बहुत जो है ना इसको खेलने वगैरह देती हूँ ताकि इसका थोड़ा सा दिल भर जाए, तो फिर मैं इसको पीछे कर लूँ। तो ये एक प्रॉब्लम है इसके साथ जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसले वाली बात है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि 5 साल तक ये बच्चा जो है ना इस तरह का ठीक नहीं होता। अच्छा, उसके बाद ना काली मिर्ची आई हुई थी, तो इसको मैंने काफ़ी मतलब 1 महीना हो गया हुआ है कि इसको पीसने वाली मैंने मंगवाई हुई थी, तो मैं इसको खुद पीसूंगी। लेकिन इसके बावजूद भी ना जब मैंने इसको पीस लिया और उसके बाद यूज़ किया तो मुझे ऐसे लगा जैसे ना इसके अंदर कलर वगैरह ऐड है। पता नहीं आजकल कैसी चीज़ें आ रही हैं कि ऐसे लगता है कि कलर इसके अंदर ना ऐड था, खाना जो है ना काला काला सा होने लगता है। तो बस यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया था, बड़ा फाइन सा पीसा गया था। और जी, जो मेरे पुराने व्लॉग्स नहीं देखे तो फाइनली मैंने जो है ना ये छोटा सॉस पैन मंगवा लिया है जिसके अंदर अब मैं चाय वगैरह जो है ना वो बनाऊंगी। पीछे मैंने पानी जो है ना वो बॉईल करके इसलिए रखा है, जो लंच बॉक्स की मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी है ना, बस उसके लिए मैंने ना इसको पहले बॉईल कर लिया था। तो उससे पहले ना मैंने सोचा कि जुनाइश के लिए ना मैं बना लेती हूँ ये सागुदाना बना लेती हूँ, क्योंकि फिर शाम के टाइम ये होता है कि मैं साथ साथ खाना पका रही होती हूँ। जैसे ही खाना पकने लगता है ना, मतलब कम्प्लीट होने लगता है, तो साथ ही साथ मैं इसको ना सागुदाना सेवियाँ और या फिर सूजी का जो हलवा होता है ना वो देने लग जाती हूँ। फिर ये होता है कि इसका ना 7 बजे से लेके 8-9 बजे तक पेट फुल हो जाता है और बड़े मज़े से जो है ना ये फिर सो जाती है और माशाल्लाह से अच्छा इसका टाइम गुजर जाता है। उसके बाद जब हम लोग खाना खाते हैं तो फिर थोड़ा बहुत अगर इसका दिल हो तो वो हमारे साथ खाना भी खा लेती है। तो इस तरह एक तो बच्चा जो है ना उसका पेट भरा रहता है, दूसरा ये होता है कि वो रात में बार बार नहीं उठता, तो ये बड़ा फ़ायदा हो जाता है। तो कुछ ना कुछ बना के जो है ना बच्चे को दे देना चाहिए, जिससे ये होता है कि उसका पेट फुल होने की वजह से मदर की जो नींद है ना वो काफ़ी अच्छे से पूरी होने लग जाती है। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने जो लंच बॉक्स की रेसिपी शेयर करनी थी ना वो मैं आपको बताने लगी हूँ। पानी ज़्यादा था तो पानी नीचे गिरने लग गया था, तो मैंने वहाँ से फिर वीडियो जो है ना वो कट कर दी। अच्छा, ये आलू मटर और चिकन है और ये मैं जो है ना इसको बॉईल कर लूँगी, ठीक है। बॉईल करने के बाद जो है ना फिर मैं आपको इसको सारा प्रोसेस डालती बताती हूँ। उससे पहले जो मैंने ये किया था ना पीसा था, मैंने कहा इसको मैं जल्दी से ना बॉक्स में डाल लेती हूँ। अच्छा, ये जो मेरे बॉक्सेज हैं ना ये मेरी शादी के ही हैं, लेकिन इसका जो है ना कुछ मसाले ऐसे होते हैं जिनका कलर जो है आपके बॉक्सेज में लग जाता है और फिर यानी कि साफ़ भी करो तो नहीं होता। अभी मैंने इसको वॉश भी किया था बॉक्स को ना, लेकिन उसके बावजूद भी इसका जो कलर है ना वो नहीं उतरा। तो यहाँ पे ये जो है ना मतलब इसका ढक्कन है वो उतर जाता है, उसके बाद बड़ी आसानी से लग भी जाता है। तो बस यहाँ पर मैं वही लगाने की ना कोशिश कर रही थी। अच्छा, उसके बाद ना ये मैंने ले लिया था मतलब मिक्सचर सारा, कटलर बनाने लगी हूँ। आलू मटर और चिकन को ना मैंने ऑलरेडी जो है ना वो मैश करके रख लिया, क्योंकि मैश मैं इसलिए नहीं करके दिखाती, वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है फिर आप लोग बोर होने लगते हो। तो इसके अंदर मैंने शिमला को ना छोटे छोटे पीसेस में कट करके ना वो ऐड कर दिया था, साथ में मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया था और मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर ऐड कर दी थी। अच्छा, मैंने इसका मॉइस्चर अच्छे से ना जो है ना वो ख़त्म कर लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे इसके अंदर ना थोड़ा सा मॉइस्चर रह गया है। तो बस यहाँ पर मैंने अपनी जो है ना मर्ज़ी के मुताबिक वो डाल लिए थे मसाला जात। तो आप लोग जो है ना सिर्फ मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड किया है, बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल भी है और जो बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते ना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है ना यूज़फुल रहेगी ये जो है रेसिपी। तो आप अपने बच्चों को जब ये बना कर देंगे एक तो वो वेजिटेबल्स खा लेंगे, दूसरा उनको इतने मज़े के ये लगेंगे, बहुत टेस्टी ये बने थे वाकई में ही। तो मटर को थोड़ा सा मैं दोबारा से जो है ना वो मैश कर रही थी, क्योंकि ये मैश नहीं होते, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको टेस्ट करके देखा था। आज मुझे सर्दी भी लग रही थी, वैसे मैं वो बंदा हूँ जो पूरी सर्दी में जो है ना वो स्वेटर बहुत कम मैं पहनती हूँ, मतलब मैं सिर्फ जस्ट गर्म ड्रेस पहना होता, मैंने इसके अलावा कुछ भी नहीं पहना होता, मतलब जर्सी वगैरह। तो आज मुझे सर्दी लग रही थी तो फिर मैंने जर्सी पहनी हुई थी। तो यहाँ पे बस मैं ना कैमरे को सेट कर रही थी बार बार। आज मैंने दूसरा ट्राइपॉड लगाया हुआ था, आप लोग देख सकते हैं कुछ एंगल जो है वो थोड़ा सा चेंज है। किसी ने मुझसे ट्राइपॉड के बारे में भी पूछा था, तो ट्राइपॉड जो है ना वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, मतलब जितनी आपकी रेंज होती है आप उसके मुताबिक। मैंने जो लिया हुआ वो मैंने 3,000 का लिया था और एक और मेरे पास ट्राइपॉड है इस वक्त वो 12,000 का है,
जब मैंने लिया था तकरीबन वो 7-8 हज़ार का, लेकिन उसको मैंने बुरी तरह से जो है ना वो शहीद कर दिया हुआ है, मतलब वो टूट गया हुआ है, लेकिन इस वक्त मैंने वही लगाया हुआ है, तो बड़ी मुश्किल से मैंने उसको जोड़ा हुआ है। बस ये है कि जब मेरा चैनल ग्रो करेगा ना, मैंने इन्वेस्टमेंट जो है ना यूट्यूब के ऊपर इस तरह के ट्राईपॉड वगैरह के ऊपर मैंने तब करनी है। यहाँ पर बस मैं टिक्कियाँ बना लूँगी, इसके कटलेट बना लूँगी, आप लोगों ने जो है ना बस आलू चिकन और मटर को बॉयल करना है, और उसके बाद सॉल्ट और आपने ब्लैक पेपर ऐड करके शिमला मिर्च ऐड कर देनी है, उसके खूबसूरत से कटलेट बना के के ऊपर आप जो ना ब्रेड क्रम्स लगा कर, तो आप इसको जो ना फ्रीज़ भी कर सकते हो वीकली लंच बॉक्स के लिए, क्योंकि मंथली लंच बॉक्स के हक़ में तो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। बच्चों को जो है वो फ्रेश फ्रेश चीज़ें बना कर देनी चाहिए, मेरा ये ख्याल है कि 1 वीक के लिए इनफ होता है। इससे ज़्यादा अगर आप चीज़ें जो कर लेते हो ना, सेव कर लेते हो, तो वो फिर उसका जो टेस्ट है ना वो उड़ जाता है, वो अच्छा नहीं रहता। मैंने एक दफ़ा की थी इस तरह, तो वो बड़ा ना टेस्ट अजीब सा हो गया था। तो खैर, मैंने यहाँ पे कटलेट की जो रेसिपी है वो मैंने आपको बता दी है। अच्छा, आज जो है ना गैस जो है ना वैसे तो वैसे भी आती रहती है, लेकिन जब उसके साथ मशीन लगा लो तो आज तो मशीन के साथ भी नहीं आ रही थी, तो यहाँ पे बस जब मुझे बड़ा इंपॉर्टेंट काम करना होता है ना, तब ये काम इसी तरह ही हो जाता है। रेसिपी रिकॉर्ड करनी है, जब मैंने ख़ास तौर पर रिकॉर्डिंग करनी होती है ना, तो गैस मुझे इसी तरह ही तंग करती है। तो यहाँ पे क्या था जी, मैंने बस वो कटलेट बना लिए थे, और उसके बाद फिर मैं इसको फ्राई करने लगी थी, तो गैस चली गई। तो बस ये कि जितनी टिक्कियाँ मैंने फ्राई की थी ना, वो भी मैंने बड़ी मुश्किल से की थी, गैस बहुत ज़्यादा कम मिकदार में आ रही थी, फिर भी मैंने कहा चलें इसी के ऊपर थोड़ा बहुत काम चलाते हैं, उसके बाद फिर मैं ना कर लूँगी सिलेंडर के ऊपर। सिलेंडर भी मैंने आजकल फिल करवा के रखा है, तो मुझे बड़ी सहूलत होगी या सिलेंडर की वजह से ना, किसी भी वक्त चाय का दिल करे या फिर कोई भी ऐसी चीज़ होती है ना खाने पीने की, तो फ़ौरन से जो है ना वो मैं बना लेती हूँ। अच्छा, ट्राईपॉड को मैंने आपको बता दिया, जिसने भी मुझसे पूछा था। अब ना मेरे जहन में नहीं रहता जो नेम है ना, मैं अनाउंस इसलिए नहीं करती क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरे एक ही मोबाइल से वीडियो शूट होती है, एक ही मोबाइल से वीडियो एडिटिंग मैं कर रही होती हूँ, तो नेम जो है ना मेरे जहन से स्किप हो जाते हैं। तो मुझसे जो है ना ट्राईपॉड का आपने पूछा था, आप 3,000 का भी ले सकते हो जिसमें रिंग लाइट आपको मिलेगी, लेकिन मुझे ना वो फजूल लगा, मैं आपको सही बताऊँ। पता है क्या, वो ना एक जगह टिकता नहीं है, उसकी जो रिंग लाइट है ना ऊपर से वो बड़ी डगमगाती सी है, तो उसका पेज जो है ना बड़ी जल्दी लूज़ हो गया, तो वो भी मैंने बस ठीक करवाना है। मेरे हस्बैंड जो है ना ऐसे काम बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो मैं उनसे जो है ना ठीक करवाऊँगी, तो इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा। तो बाकी दूसरा ट्राईपॉड आजकल मैं यूज़ कर रही हूँ, तो वो ज़रा महंगा आता है, वो बड़े अच्छे से फिक्स हो जाता है, जहाँ आपने करना होता है सिर्फ जस्ट मोबाइल लगा और वो आपका काम जो है ना बड़े अच्छे से चल जाता है। तो बड़े महंगे महंगे ट्राईपॉड भी हैं, आप अपनी रेंज के मुताबिक देख लीजिएगा। बाकी YouTube के ऊपर मेरा ये ख्याल है कि इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। आपको एक कामयाब यूट्यूबर बनने के लिए, एक कामयाब यूट्यूबर के लिए पैसा इन्वेस्ट जो है ना वो आपको करना पड़ता है। वो ज़माना चला गया मेरे ख्याल में, जब एक तो मतलब इतना इन्वेस्टमेंट भी नहीं लोग करते थे, और मैं ऐसे ऐसे लोगों की वीडियोज़ देखती हूँ। अगर आप नादिया के किचन पीछे जा के देखो, अगर आप जाकर देखो शाजिया का किचन जाकर देखो, खैर उनको तो सपोर्ट थी अपनी बहन की तो वो इसलिए आगे आ गई। उसके बाद आप लाइफ विद कायनात के पुराने व्लॉग्स देखो, उसके बाद इसी तरह से हमारे जो है ना लाइफ विद फातिमा जो हैं उनके व्लॉग्स आप पुराने देखो, तो आपको पता चलेगा कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी उनके व्लॉग्स में, जस्ट वो ऐसे हम ये कर रहे हैं, चंद चीज़ें उठाते थे। उनके वॉइस ओवर में भी इतना ज़्यादा शोर होता था पंखे का, और इतने लंबे लंबे व्लॉग्स, वीडियो क्वालिटी नहीं होती थी। आजकल इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स आ रहे होते हैं, उसके बावजूद भी मैं देखती हूँ कि उसके ऊपर व्यूज़ नहीं होते। इतनी अच्छी लाइटिंग लोगों ने की होती है, इतने खूबसूरत घर होते हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके बावजूद भी जो है यूट्यूब आपको आगे नहीं लेकर जाता, जब तक वो आपको 2-3 साल तक अच्छे तरीके से घसीट नहीं लेता। तो बड़ा मुश्किल है वैसे यूट्यूब पर कामयाब होना, जब तक आपको यूट्यूब रिकमेंड नहीं ना करता। हम जितने मर्ज़ी लोगों के तल्ले मिनते मार लें, मेरा ये ख्याल है आप जो है ना वो आगे ग्रो ही नहीं कर सकती। अल्लाह के बाद आपको अगर आपको कोई मतलब आगे यूट्यूब पे कामयाब कर सकता है तो वो सिर्फ यूट्यूब है। यूट्यूब जब आपको वायरल करेगा तो आपने ऑटोमेटिकली जो है वो कामयाब हो जाना है। फिर तो आप किसी को अंडा पराठा भी दिखाएंगे, आप किसी को बाहर जाते अंदर जाते घर आपका जैसा भी आप दिखाओगे ना, तो लोगों ने आपको देखना ही देखना है। तो ये थोड़ा सा मोटिवेशनल व्लॉग भी हो गया आज का। तो बस बातें करते करते मैं कहाँ से कहाँ चलेगी कि इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए।
मेरा ख्याल है बस जितना आपके पास है ना थोड़ा बहुत आप उसी के अंदर मैनेज किया करें यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि अक्सर घरों में मैंने ये भी सुना है कि लड़ाइयाँ हो जाती हैं ये यूट्यूब की वजह से, कि फ़ीमेल्स इतना ज़्यादा उसको सर पर सवार कर लेती हैं। कभी कभी मेरे सर पर सवार हो जाता है, लेकिन मैंने कभी इस चीज़ को किसी के साथ जो है ना वो मतलब इजहार नहीं करती मैं इस चीज़ का, क्योंकि जो इंसान मेहनत कर रहा होता है ना उसको जब मेहनत का फल ना मिले तो फिर वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होता है। तो खैर ये व्लॉग था जिसमें मैंने रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की और आपके एक दो क्वेश्चन का जवाब, और जो यूट्यूबर्स मुझे देखते हैं उनको थोड़ा सा मैंने बताया कि आजकल यूट्यूब पे कामयाब होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आप अपनी बारी का इंतज़ार करें, यूट्यूब जब आपको रिकमेंड करेगा तो किसी के तरले मारने की आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शाउट आउट की नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो खैर यहाँ पे कटर जो है ना वो मेरे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी थे। आप लोग इसको ज़रूर बनाइएगा, मेरे साथ अपना फीडबैक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगेगी तो कोई बात नहीं नेक्स्ट वीडियो पर चली जाइएगा। बाकी मिलते हैं इस तरह के एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने साथियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।